आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पकौड़े, पर कुछ अलग स्टाइल से। हमने इसके लिए लिया है 400 ग्राम पनीर, जिन्हें हमने रैंडमली छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। हमने इसका पेस्ट बना लिया है। हमने ये पनीर का पेस्ट एक बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे, एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1/4 गरम मसाला डालेंगे, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, एक बड़ा चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी पनीर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम आधा कप बेसन लेंगे, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथ से क्रश करके। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। अभी हमारा घोल तैयार हो गया है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। और लास्ट में हम इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे फ्लफीनेस रहती है। अब हम अपना आटा चेक कर लेंगे और इसके पार्ट कर लेंगे। अब हम इसे मैदा में कोट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। ये साइड से टूटेंगे, कोई बात नहीं, हमें ज्यादा पतला नहीं करना है इसे। अभी हमारी रोटी तैयार है। अब हम इस पे शेजवान चटनी लगाएंगे और स्प्रेड करेंगे। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ की हेल्प से इसे लॉन्ग में कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे धीरे धीरे रोल करेंगे। ये देखिए हमारे रोल्स रेडी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब ये रोल्स हम हमारे बेसन वाले घोल में डालेंगे। और इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे। और इन्हें चम्मच की ही मदद से गरम तेल में फ्राई करेंगे। हमने तेल पहले से ही गरम कर लिया है और अब हम इसे डाल देंगे। अब ये हमारे पकौड़े रेडी हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे। रेडी है।